चलिए, कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और आज मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने वाला हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। और बीपीएससी में जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसा कि बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपको बिहार की भूमिका मॉडर्न हिस्ट्री के तहत जरूर पूछेगा कि बिहार किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस जो एग्जाम का पैटर्न था हेड टीचर का, उसमें भी आपने देखा होगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो बिहार हेड टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो पैटर्न पूछे गए थे वो 75 क्वेश्चन डीएलएड के या बीएड से रिलेटेड थे, जबकि 75 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से थे। और हमने क्वेश्चन भी आपको हेडमास्टर वाला दिखाया है वीडियो में, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। फिलहाल तो सबसे पहले आपका सामान्य विज्ञान, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे आ जाएंगे, भूगोल अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो आपका करेंट अफेयर्स है वो पढ़ के जाना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं निभाई गई भूमिका। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो हम लोग पढ़ेंगे, इस साथ साथ बिहार की भूमिका को भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम लोग मैथ के भी टॉपिक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे, रीजनिंग का भी जो बेसिक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, और भारतीय राज व्यवस्था जो पॉलिटी है उसको भी अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, तो इस पे मेन रूप से फोकस करना है। ठीक है, लेकिन साथ साथ मैं आपको और भी बता दूं कि जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेक्शन नहीं दिए गए, लेकिन दो चार प्रश्न जरूर आपके इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूरा सब मिला करके 75 क्वेश्चन तक या उससे ज्यादा भी रहने की संभावना है। तो उसी के अनुसार फिलहाल मैं आपको करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज, फिलहाल देखिए और आगे जब सिलेबस आ जाता है तो उसके अनुसार हम करवाएंगे। चलिए अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो बिहार किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार जो है कभी देश के लिए जान देने में कभी पीछा नहीं हटा है। चाहे आप प्राचीन इतिहास को देखिए कि बिहार ने ही पूरे भारत को एकत्रित किया, संगठित किया, अखंड भारत का निर्माण अगर किसी के द्वारा हुआ था तो वो बिहारियों के द्वारा ही हुआ था। यानी आपने पढ़ा होगा कि सम्राट अशोक के समय में पूरा अखंड भारत दिखता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और वो लोग मगध के थे, और अभी मगध कहाँ है, बिहार में। ठीक है, आगे आने वाले समय में भी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी आप गांधी जी को देखिए, चाहे अन्य लोगों को भी देखिए, तो उन्होंने बिहार से ही जो है क्रांतिकारी आगाज किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के किस प्रकार से जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भूमिका निभाई। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग जब पढ़ेंगे पूरे भारत स्तर का, तो उसमें अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो है फिलहाल हम बिहार की भूमिका, क्रांतिकारी जो संगठन है उसकी भूमिका के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए तो यहां पर देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। सबसे पहला घटना बिहार का जो क्रांतिकारी गतिविधि के रूप में जाना जाता है वो है मुजफ्फरपुर का बम कांड। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ था कि इस तिथि को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेजी जज किंग सोर्ड जो नाम रहता है उसके बग्घी पे, बग्घी मतलब जो रथ होता है घोड़े वाला बग्घी, उस पर बम फेंकना चाहा, परंतु वह गलती से कहां लग गया, अंग्रेज वकील कैनेडी के बग्घी पर गिर गया। और उस पे कैनेडी भी नहीं था बल्कि उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बच्ची थी, वह उस बम कांड में मारी जाती है। देखिए लिखा हुआ, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में सहानुभूति रखने वाली कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। इस आहत से प्रफुल्ल चाकी ने
आत्महत्या कर ली तथा खुद ही राम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, वह सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। अगर पूछे बिहार का सर्वप्रथम क्रांतिकारी कौन है जो शहीद हुआ था, तो वह खुद ही राम बोस है और सबसे कम उम्र में ये शहीद हो गए। अब आते हैं 1912 में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित तौर पे यह प्रश्न बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और आप लोग को भी पूछ सकता है। ये पूछेगा कि 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बिहार में कहां हुआ, या पूछेगा कि बांकीपुर पटना में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कब हुआ, ठीक है, और केमा था, तो या पूछेगा 27वां अधिवेशन कांग्रेस का कहां पर हुआ। तो ये सारे प्रश्न यहां से क्रिएट होते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, आर एन मंधोलकर ने किया था, माधोलकर। तो याद रखिएगा, आर एन माधोलकर ने बांकीपुर पटना में जो 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अति महत्वपूर्ण है, जहां जहां मैं वीवीआई लिख रहा हूं उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यहां से निश्चित तौर पे बीपीएससी प्रश्न पूछेगा। अब आते हैं 1916 ईस्वी और होम रूल लिंग की स्थापना हुई, ठीक है, और बिहार में भी हुई। तो सबसे पहले पुणे में होम रूल लिंग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, होम रूल मतलब स्वशासन, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर मद्रास में होम रूल लिंग की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, स्वराज प्राप्त करना। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लिंग की स्थापना हुई। ये प्रश्न अब बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया कि पूछेगा कि बिहार में होम रूल लिंग की स्थापना किसने किया, तो मौलाना मजरूल हक ने। कब किया, तो 16 दिसंबर 1916 को। अति महत्वपूर्ण है ये। मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के द्वारा भी होम रूल लिंग की स्थापना की गई। तो पूछेगा कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंग की स्थापना किसने की, तो जनकधारी प्रसाद। बिहार में होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 26 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट कहां आई थी, पटना आई थी। ये पूछ सकता है कि होम रूल को आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु एनी बेसेंट कब पटना आई थी, तो 1918 में। होम रूल लिंग की स्थापना कब हुई, 1916 ईस्वी। ये दो प्रश्न। अब आते हैं सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बनेगा आपका कि चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यहीं से पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुई, तो 1917 ईस्वी में, और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह को ही कहा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया, और इसकी शुरुआत तब हुई जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो जब गए तो उन्होंने, चूंकि गांधी जी भी आए हुए थे लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में, तो इसका जो कारण था, ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों की अपनी भूमि का क्या करना होता था, 3/20 हिस्सा पर नील की खेती करनी होती थी, और अंग्रेज इसलिए करवाते थे क्योंकि नील की खपत यूरोपीय मार्केट में बहुत ज्यादा थी, और उस समय कलर जो है कपड़ों का नील से ही किया जाता था। अब तो रासायनिक कलर आ गए, केमिकल वाला कलर आ गया है, लेकिन उस समय जो है नील से ही करवाया जाता था। और नील की खेती करने से क्या हो जाता था कि वहां की जमीन बंजर हो जाती, और नील को खरीदने वाला एक ही मात्र अंग्रेज ही था और दूसरा कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि वो खाने का चीज तो है नहीं नील, तो उसको औने पौने दाम में अंग्रेज अधिकारी खरीदते थे। और जो बगान मालिक हुआ करता था
वो जबरदस्ती किसानों से 3/20 जो है यानी 1 बीघे में 3 कट्ठा का नील की खेती करवाता और ऊपर से जमीन भी बंजर हो जाती थी। तो किसानों की यह समस्या को गांधी जी के सामने राजकुमार शुक्ल ने पहुंचाया था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को अपने भूमि का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे क्या कहा जाता था, 3 कठिया प्रणाली। क्या कहा जाता था, 3 कठिया प्रणाली। और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन गए थे, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्या के समाधान के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया। और गांधी जी लखनऊ अधिवेशन के बाद बिहार आने का सोचते हैं और कलकत्ता के रास्ते पटना, फिर पटना से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए यह 15 अप्रैल 1917 को कहां पहुंचते हैं, मोतिहारी, जो कि पूर्वी चंपारण में है। गांधी जी के सत्याग्रह दबाव में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल जिनका नाम था एडवर्ड अल्बर्ट गेट एक जांच समिति का गठन करता है और जिसकी अध्यक्षता एफ सी सलाई कर रहे थे। यानी पूछेगा कि जो एग्रेरियन यानी कृषि से रिलेटेड जो समिति बनाई गई थी कब, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एफ सी सलाई तथा गांधी जी सहित, ठीक है, एल सी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डी के रीड तथा रेनी इसके सदस्य थे। ठीक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिएगा। इस समिति के चंपारण एग्रेरियन समिति नाम दिया गया। तो हमने पहले ही बोल दिया, अगर पूछे चंपारण एग्रेरियन समिति की अध्यक्षता किसने की थी, एफ सी सलाई, याद रखिएगा। और इस समिति ने 3 कठिया पद्धति यानी 3/20 यानी 1 बीघे में 3 कट्ठा का जो खेती किया जाता था नील का, उसको पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की थी। तो यहाँ से प्रश्न चंपारण सत्याग्रह अति महत्वपूर्ण है बीपीएससी के हिसाब से, इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। आंदोलन के प्रमुख जो सहयोगी रहते हैं, एक राजकुमार शुक्ल, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर और शंभूशरण, ये सब चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख कह सकते हैं, यहाँ पर आंदोलनकारी रहते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो है मेन रूप से कब हुआ, ये पूछ सकता है गांधी जी कब पहुंचे मोतिहारी, या चंपारण एग्रेरियन समिति की अध्यक्षता किसने की और किस कारण से हुआ, तो 3 कठिया पद्धति के कारण से हुआ। किसने गांधी जी को बुलाया, राजकुमार शुक्ल ने। कहां पे मिले थे गांधी जी से राजकुमार शुक्ल, तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी। तो यही सब प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव तौर पे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए खिलाफत आंदोलन। आप लोगों ने 9th-10th में प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा होगा और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चलता है, ये भी आपको पता होगा। और खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में आपका ये जो है 19 से 20 के बीच में ही आपका खिलाफत आंदोलन होता है, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज लोग जीत जाते हैं तो उनका शासन आधिपत्य तुर्की पे हो जाता है और तुर्की का जो खलीफा था पूरे इस्लाम जगत का गुरु माना जाता था उस समय। सभी पूरे इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं वहाँ के जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी उसको फॉलो करते थे, भारतीय मुसलमान भी करते थे। जब वहाँ पे उसकी प्रतिष्ठा में कमी आई और वहाँ पे खलीफा का पद हटा दिया गया, ठीक है, उसकी सत्ता को अस्वीकार कर दिया गया, तो भारत में भी भारतीय मुसलमानों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और यही कारण था कि भारतीय मुसलमान एकजुट होकर के
खिलाफत आंदोलन शुरू किए और गांधी जी को लगा यह सबसे अच्छा मौका है कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाया जाए, और हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का उन्होंने सर्वोत्तम उपाय नजर आया उनको कि खिलाफत आंदोलन और जो कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था और सहयोग आंदोलन दोनों को मिला दिया जाए और हिंदू मुस्लिम एक होकर के अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन आगे चल करके जब यह हिंसक गतिविधि पकड़ लेता है, इसमें बहुत ज्यादा हिंसा होने लगी, तब जाकर के 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाता है। उसमें क्या था कि जब आंदोलन के दौरान पुलिस जो कर्मी थे वहां के चौरा चौरी के, उन्होंने निहत्थे जनता पे या कह लो भीड़ पे गोलियां चलाए, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस गुस्से में जनता वहां की क्या की, पूरे थाना को घेर करके और जितने भी लगभग 50 की संख्या में वहां पे पुलिस कर्मी थे, सबको कुर्सी में बांध करके गेट लगा करके आग लगा, सभी जिंदे जला दिए गए जनता के द्वारा पुलिस कर्मी। और यह आंदोलन जो एक अहिंसा से शुरू हुई थी और हिंसा पे जा करके गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं चाहते। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, उन्होंने कभी करो या मारो नहीं बोला, करो या मरो। तो वे अहिंसा के पुजारी थे। अब देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की धुरी राष्ट्रों में शामिल था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में आपका तुर्की था, और कौन कौन थे याद है आप लोग को, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कौन कौन था धुरी राष्ट्र और कौन कौन मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो अमेरिका मित्र राष्ट्र में था, वो प्रथम विश्व युद्ध में तो था ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं, ठीक है। तो इंग्लैंड हो गया मित्र राष्ट्र का, देश के रूप में था। जर्मनी था आपका धुरी राष्ट्र, ठीक है, इसीलिए तो वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुआ। तो तुर्की धुरी राष्ट्रों के साथ सम्मिलित था, मित्र राष्ट्रों ने, ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने या मित्र राष्ट्र के द्वारा जब ये पूरा हार गया धुरी राष्ट्र, तो तुर्की के खलीफा ने राजनीतिक और साम्राज्य, मतलब जो तुर्की के खलीफा का जो राजनीतिक सत्ता था और जो साम्राज्य था, उसको सीमित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिस कारण से भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का खिलाफ किया और खिलाफत आंदोलन तभी से शुरुआत हो गई। नेतृत्वकर्ता के रूप में थे अली बंधु, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद, ये सब खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। और यही मौका गांधी जी को क्या लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता आ सकता है, ठीक है। गांधी जी ने दोनों आंदोलन को मिला दिया। बिहार में असहयोग आंदोलन 4 से 9 सितंबर 1920 तक हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग प्रस्ताव पारित होने के साथ ही, अगर पूछेगा कि कब असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा 4 से 9 सितंबर 1920 को, कहां पे, तो कलकत्ता में, ठीक है। और प्रस्तावित होने के साथ ही असहयोग आंदोलन पूरे बिहार में दिखा। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद का, जो विधान परिषद का चुनाव था, उसकी उम्मीदवारी वापस ले ली। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन, ये पूछ सकता है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां सम्मेलन जो है या अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ या किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, कहाँ पर, तो भागलपुर में, ये याद रखिएगा। और उस दौरान अलग अलग जगह पे अलग अलग नेतृत्वकर्ता पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे शाह मोहम्मद जुबेर,
ये जो थे वो मुंगेर से पार्टिसिपेट कर रहे थे। शाह मोहम्मद जुबेर कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे थे असहयोग आंदोलन के दौरान? तो मुंगेर से। गुलाम इमाम कर रहे थे पटना से, गोरख प्रसाद कर रहे थे मोतिहारी से, मौलाना मजरूल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से, ये पूछा हुआ प्रश्न है, दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया। पूछेगा कि द मदरलैंड प्रकाश द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मजरूल हक, ठीक है, ये याद रखना है। आज भी आप सदाकत आश्रम जाएंगे तो वो मजरूल हक ने ही जमीन दिया था जहां पे सदाकत आश्रम पटना में बना हुआ। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। श्री कृष्ण सिंह इसके अन्य प्रमुख नेता थे। फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-सरिय नामक संस्था का गठन किया गया। अब देखिए नेक्स्ट है अति महत्वपूर्ण पंक्ति, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बिहार में, गया में। बीबीआई याद रखिएगा, पूछेगा कि गया में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो कब हुआ 1922 में, या ये पूछेगा 1922 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ? तो गया में हुआ। और गया में अध्यक्षता किसने किया था? तो चितरंजन दास ने। तो गया में जो हुआ कांग्रेस का अधिवेशन उसकी अध्यक्षता किसने की? तो चितरंजन दास ने। चितरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू एवं विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर के कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल की गठन की थी। इसी दौरान बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन आरंभ हुआ और 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाएगा? चौरा चौरी कांड। और इसके बाद क्या होगा? एक हिंसक घटना घटित हो गई, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कब हुआ चौरा चौरी कांड? 5 फरवरी 1922 को। और वहां पे क्या किया गया कि पुलिस कर्मी को आग लगा करके जला दिया गया था। ठीक है, और उस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ऐसे असहयोग आंदोलन हम पढ़ाएंगे फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डीपली। अभी बिहार का इतिहास पढ़ा रहे तो जो जो मेन पॉइंट्स है वही बता रहे हैं, प्रश्न पूछेगा यहीं से, लेकिन बाकी और भी कॉन्सेप्ट के लिए आगे हम पढ़ाएंगे। अब आ जाइए साइमन कमीशन और बिहार। भारत ने मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में जो आया उसके जांच करने के उद्देश्य से उसके 10 वर्ष बाद साइमन कमीशन भारत आता है 1928 ईस्वी, मतलब 10 वर्ष बाद आना था लेकिन 9 वर्ष बाद ही आ जाता है, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और जिस कारण से भारत में आयोग का व्यापक क्या हुआ? विरोध हुआ। और 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य कहां पहुंचे थे? पटना। यहां भी उन्हें प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। आयोग के सदस्य महाराजा डुमराव का अति स्वीकार कर डुमराव गए, परंतु यहां भी राष्ट्रवादियों ने उनका व्यापक विरोध किया। यानी साइमन कमीशन का बिहार में विरोध कब हुआ? तो 12 दिसंबर 1928 को पूरे बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ये सब आगे पढ़ेंगे। अब देखिए स्वविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार अति महत्वपूर्ण है। स्वविनय का अर्थ होता है कि विनय पूर्वक बात नहीं मानना, हम लड़ेंगे नहीं लेकिन हम प्रेम पूर्वक आपके बात को नहीं मान। गांधी जी ये सब प्रयोग किया करते थे। और 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद वो राष्ट्रवादी आंदोलन में पार्टिसिपेट करना या राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करना कम कर दिए, नहीं किए। फिर वह दोबारा, चूंकि उनका नीति ही था विराम संघर्ष और विराम की नीति, मतलब एक बार आंदोलन करो फिर कुछ दिन शांत रहो, फिर आंदोलन करो फिर शांत रहो। गांधी जी का देखिएगा 1921 में असहयोग करते हैं, फिर वह शांत हो जाएंगे, फिर 1930 में वो स्वविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, फिर शांत हो जाएंगे, फिर 1942 में आएंगे भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे और 1948 में उन्हीं को टपका दिया गया। ठीक है, गांधी जी की हत्या कर दी।
तो गांधीवादी चलन को हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बिहार की भूमिका और बिहार से रिलेटेड क्या स्वाभिनय अवज्ञा में पूछा जा सकता है, तो इसको नमक तोरो कानून भी कहा जाता है। किसको? स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों का जो कानून तोड़ा था वो था कौन सा कानून? नमक कानून। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जानते थे अगर दूसरा कोई कानून तोड़ते हैं तो सबको फायदा नहीं मिलेगा, और नमक कानून एक ऐसा कानून होगा जो अमीर गरीब को सबको बराबर यहाँ फायदा मिलेगा। तो गांधी जी बहुत चालाक थे, कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा दिमाग लगा के काम करते। ठीक है, और उन्होंने नमक को इसीलिए चुना था क्योंकि नमक जो है वो गरीब अमीर सबको बराबर चाहिए होता है। किसी अमीर के घर में देखे हो कि बहुत जो है दो चार बोरा नमक रखे हुए, या गरीब के घर में जो है 100 ग्राम नमक, सबके घर में 1 केजी आता है और वही चलता है, कोई ना उसको जमा करता है, दुकानदार भी बाहर ही छोड़ के चल जाता है, वो जानता है इसका कोई चोरी करने वाला नहीं, क्योंकि नमक का कर्ज अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो दुकानदार को भी देखिएगा नमक का बोरी बाहर ही छोड़े रहे, उसको नमक का टेंशन नहीं होता। तो गांधी जी ने यहाँ नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और वही स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है बिहार की भूमिका को लेकर के। ठीक है, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कहाँ पे अधिवेशन हुआ? तो लाहौर में, रावी नदी के तट पर है लाहौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं नशीले पदार्थों की दुकान पर धरना देने का कार्य आरंभ हुआ। क्योंकि बिहार में तो नमक वाला कोई फैक्ट्री था नहीं, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अन्य दुकान पे जो नशीले पदार्थ हैं, नशा मुक्त अभियान के तहत यहाँ कार्यक्रम होगा। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई तथा 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए यही जो है इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, क्योंकि भारतीयों ने प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। और हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, चूंकि हमने 26 जनवरी को पहली बार 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस मनाया था या स्वाधीनता दिवस, तो इसी कारण से 26 ही डेट पर आ, समझ गए। इसी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया तथा बिहार में समुद्री तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को, और यह नाकासी पिंड, ठीक है, पटना जिला नामक स्थान को नमक कानून बिहार में, ठीक है, नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में चुना गया। सारण तथा हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर कानून का उल्लंघन किया गया। बिहार में सर्वप्रथम सारण तथा चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ हुए। अगर पूछेगा कि बिहार में नमक सत्याग्रह कहाँ पे आरंभ हुए, तो सारण और चंपारण, ठीक है। और इसी दौरान यहाँ पर चौकीदारी कर नहीं देने का भी आंदोलन आरंभ हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह पूछता ही है, बार बार पूछा है, 10 बार बीपीएससी ने यह प्रश्न पूछा है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1934 में हुई,
तो यही याद रखना है आपको, कब हुई 1934 में। संस्थापक भी कई बार पूछा है कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। आज के लेक्चर से निश्चित रूप से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, तो अच्छे से सुन लीजिए और बिहार स्पेशल का जब हम टेस्ट सीरीज लगवाएंगे तो उस समय बनाइएगा ये सब प्रश्न। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सब बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आचार्य नरेंद्र देव ने। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे, तो अध्यक्ष और सचिव का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। आचार्य नरेंद्र देव तो याद ही रखिएगा और सचिव भी याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण थे किसके, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। और इस पार्टी को 1948 में भंग कर दिया गया। कब किया गया भंग, तो 1948 ईस्वी में। तो ये टॉपिक आपका आज जो है कौन कौन सा टॉपिक हुआ, तो सबसे आज क्या पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, सबसे पहला शहीद होने वाला प्रथम बिहारी खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में। उसके बाद हमने होम रूलिंग बिहार के बारे में बताया, फिर आपका असहयोग आंदोलन के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में, फिर असहयोग आंदोलन के बारे में, फिर आपका ठीक है। तो मॉडर्न बिहार के यही सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री जो सिलेबस जो हमने आपको दिखाया, तो वहां पर निश्चित तौर पे बीपीएससी यहां से प्रश्न पूछेगा, हर एक बार पूछता है, तो आपसे भी पूछेगा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे, लेकिन बिहार के संदर्भ में इतना ही, ठीक है। और यहीं से प्रश्न ज्यादा बीपीएससी पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके वहां पे बीपीएससी टीचर 2023 में जाके कोर्स को बाय कर लें, और उसके अंदर ही आपको सारे कंटेंट्स, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और तैयारी में जुट जाए अभी से, जिससे कि आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही।